और एवा दोनों सिस्टर एक अकेली जंगल में रहा करते हैं। उन्हें पता है कि वर्ल्ड का एंड होने वाला है और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ। हेलो फ्रेंड, आज हम आपको द इंटू द फॉरेस्ट 2015 थ्रिलर हॉलीवुड मूवी एक्सप्लेन करने हैं। एक्चुअल में आपके साथ ऐसी ही घटना हो जाए तो आप क्या करेंगे। ये मूवी काफ़ी इसी के लिए काफ़ी फेमस है। ये मूवी में काफ़ी रोचक तथ्य भी आते हैं। ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको अंत तक जरूर देखना चाहिए। अब मूवी की शुरुआत में हम अपने करेक्टर नेल और युवा को देखते हैं और वो लोग अप टाउन में जा रहा है उसके फादर के साथ जिसका नाम रॉबर्ट है। और युवा देखते हैं कि अपने फैशन को डिजाइन कर रहे हैं, डांसिंग की फैशन है। और नेल को देखते हैं, नेल एक्चुअली में स्टडी कर रही होती है और उसका इंटरव्यू उसी की तैयारी कर रही होती है, इसीलिए वो टाउन में जा रहे होते हैं। और देखते हैं कि सभी जगहें इलेक्ट्रिक चली गई है और बिजली चली गई है और सभी लोग परेशान हैं, इलेक्ट्रिक नहीं। और नेल अपने फादर से कहती है कि आपने इन्वर्टर नहीं लगा। तभी देखते हैं युवा बताती है कि अपने पास तो कार की बैटरी है, उसे भी यूज कर सकते हैं। और देखते हैं कि वहाँ पे नेल जाती है और कार का बैटरी लेके आते हैं, लेकिन वहाँ पे बैटरी ना होने के कारण कार की लाइट ऑन ही रह जाती है, उसकी डोर बंद नहीं हो पाती और सारा रात लाइट चालू रहता है और कार की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है और कार स्टार्ट नहीं होता। और सभी लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें टाउन में जाना काफ़ी ज़रूरी था। और यहाँ पे देखते हैं कि काफ़ी मकसद करने के बाद भी कार स्टार्ट नहीं होता है। और देखते हैं कि ईवा अपनी डांसिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है क्योंकि उसे लगता है कि डांसिंग प्रैक्टिस करना है। तभी देखते हैं नेल काफ़ी वरी कर रही होती है क्योंकि उसे लगता है कि पेपर में फेल हो सकती है। तभी उसके फादर कहते हैं तुमने एक्चुअल में काफ़ी मेहनत किया है, तुम फेल नहीं। तभी उसके फादर को याद आता है कि उसके पास वुडकटर है, वुडकटर की सहारा से वह आज कार स्टार्ट करेंगे। और एक्चुअली अभी तक तो 10 दिन लोग को कार स्टार्ट करने में लग गया है। तभी उन लोग शहर में जाते हैं, सिटी में जाते हैं, देखते हैं कि वहाँ पर सभी रूम शॉप सभी बंद हैं। और देखते हैं शॉप पर जाते हैं तो वहाँ पर शॉप का मालिक स्टैंड आता है, स्टैंड उसके ऊपर गन तान देता है। वो सोचता है कि यहाँ पे कोई चोर और तो नहीं आया है क्योंकि उसके शॉप को लूटने कई लोग यहाँ पे आए हुए थे, इसी से वो डर रहा था। अभी वहाँ पे देखते हैं नेल के फादर सभी चीज़ वहाँ पे वरी कर लेते हैं और खरीद लेते हैं और पेट्रोल भी ब्लैक में काफ़ी ज़्यादा खरीद लेते हैं। और देखते हैं कि यहाँ पे नेल और युवा तभी देखते हैं नेल अपने बॉयफ्रेंड के साथ लगी हुई जिसका नाम एलिन नाम था, एलिन के साथ वो काफ़ी इंजॉय कर रही होती है और वो मजा लेती है एलिन का। तभी वहाँ देखते हैं एवा और उसके फादर वहाँ पे नेल को लेने आते हैं और नेल वहाँ से एली से मिल के चली जाती। तभी वहाँ पे देखते हैं ईवा काफ़ी वरी कर रही होती है, कहती है कि मैं डांस में काफ़ी स्मार्ट नहीं हूँ, मैं डांस में काफ़ी लो है। तभी यहाँ पे देखते हैं कि नेल कहती है कि तुम काफ़ी अच्छे से डांस कर लेती। तभी वहाँ पे सभी कार रुकी होती, तभी वहाँ पे फादर जाते हैं, फादर पूछते हैं क्या कारण है। तभी वहाँ पे उसे गन दिखा के फादर को वहाँ से कहते हैं तुम यहाँ से तुरंत दफा हो जाओ। और फादर सोचते हैं कि सिचुएशन काफ़ी गंभीर है, यहाँ से निकल लेते हैं और वहाँ से निकल लेते हैं। और तभी वह देखते हैं कि सभी लाइट कट चुके हैं और लोग अपना व्यवस्था कर रहे होते हैं। और यहाँ देखते हैं कि ईवा और नेल काफ़ी डिस्टर्ब रहती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि काफ़ी स्ट्रगल चल रहा है। और तभी उसके फादर कहते हैं कि तुम लोग टेंशन मत लो। तभी वहाँ पर देखते हैं कि फादर लकड़ी काटने जा रहे होते हैं, लकड़ी काटते हुए उनकी टांग की एक जांघ पे चोट आ गई थी और उससे काफ़ी ब्लड निकल रहा होता है, ब्लड रुकने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। और नेल और युवा काफ़ी मकसद करते हैं लेकिन ब्लड नहीं रुकता। उसके फादर कहते हैं कि तुम दोनों एक साथ रहो, आपस में दोनों साथ रहो। तभी वहाँ पे रात भर उन लोग रुकते हैं और सुबह होने पर अपने फादर को बरी कर देते हैं। और नेल और युवा काफ़ी डिस्टर्ब रहे और वो लोग सोचते हैं कैसे लाइफ चलेगी और वो लोग समझ नहीं पा रहे होते हैं।
और एक दूसरे से काफ़ी रोचक। तभी हम देखते हैं नेल काफ़ी डिस्टर्ब हो रहे हो, तभी यहाँ पे एवा काफ़ी डिस्टर्ब थी क्योंकि वो उसको समझ नहीं, तभी वह लाइट नहीं थी, वह घड़ी के सहारे ही क्लॉक के सहारे ही डांसिंग कर रही होती है। तभी वह नेल के पास पेट्रोल लेकर आती है, वो कहती है कि जनरेटर 10 मिनट के लिए स्टार्ट करूँ क्योंकि मुझे डांसिंग करना है। तभी नेल कहती है कि नहीं, हम स्टार्टिंग नहीं करना है क्योंकि हमारे लिए बिजली के लिए काम आएगा। तभी वहाँ पे देखते हैं कि नेल काफ़ी उसे समझाने लगती है लेकिन वो मानती नहीं। तब वहाँ देखते हैं कि यहाँ पे एवा काफ़ी गुस्सा होने लगती है और दोनों में फाइट होने लगती है। और तभी वहाँ से देखते हैं कि एवा काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है और वह काफ़ी वरी होने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। और वह रात को देखते हैं कि एवा और नील, तभी सुबह होने पर देखते हैं उनकी मुर्गी का जो था वो उसे सभी जो उसे वह नाश्ता करते थे उसे सभी खा डाले। तभी वह ईवा के पास जाती है, ईवा को मनाने लगती है, ईवा मानती नहीं है, ईवा काफ़ी डिस्टर्ब। तभी वह नेल से काफ़ी हट के रहती, नेल से अलग अलग होकर खाती है। नेल इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई कि थी कि नेल से बात ही करना छोड़ दी थी ईवा। और देखती तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे नेल और ईवा दोनों आपस में मिल जाते हैं क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि हम दोनों अलग नहीं रह सकते क्योंकि फादर ने कहा है। और हम दोनों तभी यहाँ पे बारिश स्टार्टिंग हो जाती है और उनके घर की हालत ठीक ना होने के कारण घर में पानी घुस जाता है। तभी वहाँ पे देखते हैं कि एक चॉकलेट मिलता है नेल को। नेल देखती है कि चॉकलेट मिलता है और उसमें गम भी रहता है और नेल ने चॉकलेट फट से खोल के खा डालते हैं और उसे काफ़ी दिनों के बाद चॉकलेट मिला था, उससे आनंद ले रहे। तभी यहाँ पे देखते हैं कि एवा आई हुई है, कहती है कि जनरेटर प्लीज स्टार्ट कर दो। और तभी यहाँ पे नेल कहती है कि तुम टेंशन ना लो, तभी उसे वह गम दे देती है। और एवा काफ़ी खुश हो जाती है और वह काफ़ी गुस्सा हो जाती है, कहती है कि यहाँ पे चॉकलेट भी होगा और उसके ऊपर चिल्लाने लगती है। और नेल कहती है कि चॉकलेट तुम्हें पसंद, तभी वह नेल से दूर चली जाती है। और वहाँ पे काफ़ी शोर शराबा होने लगता है। तभी वहाँ पे देखते हैं एलिन आया हुआ है जो कि नेल का बॉयफ्रेंड तक होता है और वह उसे ढूंढते यहाँ तक आ चुका है। तभी उन लोग तीनों आपस में बातें करने लगते हैं और नेल और एलिन दोनों आपस में काफ़ी प्रेम करते थे और लव करते थे और दोनों एक दूसरे को काफ़ी चाहते थे और वो लोग काफ़ी फ्रैंक करने लगते हैं। और इस बात से एलिन को अच्छा तभी हुआ नेल एक उसे ट्री में ले जाती है और उसके साथ वहीं पे इंटीमेट होने जाते हैं। और नेल और युवा इसी से काफ़ी एवा काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि तभी वह बाथरूम में होते हैं दोनों और कहते हैं कि तुम ऐसा ना हो कि तुम प्रेग्नेंट ना हो जाओ। तभी वह काफ़ी डिस्टर्ब होने लगता है। तभी वो देखते हैं कि वहाँ पे एलिन बताता है कि ये जगह ऐसी जहाँ बिजली पानी सब कुछ है और वहाँ पे मनुष्य सब कुछ वहाँ पे रेडिएशन नहीं फैला हुआ है। तभी देखते हैं कि नेल कहती है कि हाँ होगा। तभी वहाँ पे एवा को समझाते हैं और कहते हैं कि हम सब लोग चलेंगे। तभी एवा मानती नहीं, एवा कहती है कि मैं रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ क्योंकि ऐसी जगह का मुझे पता नहीं है। तभी देखते हैं कि यहाँ पे एवा मानने वाली ही नहीं थी। तभी नेल से वह उसे अपने फादर की गन दे देती है, कहती है तुम इसे लेके जाओ और जंगली जानवर से बच के रहना। तभी हम देखते हैं कि नेल और एलिन चला जाता है और एवा को अकेले छोड़ के एवा काफ़ी दुखी हो जाती है। तभी नेल को काफ़ी अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसके फादर ने कहा था तुम दोनों एक साथ रहना, एक दूसरे से दूर। तभी एलिन को समझाती है कि मेरे फादर ने कहा है एक दूसरे के साथ। तभी वह कहती है तुम जाओ, हम जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि एलिन सोचता है कि मुझे उसे जाना काफ़ी ज़रूरी था, इसीलिए वह चला गया। तभी देखते हैं कि नेल आ जाती है एवा के पास और इस बात से काफ़ी खुश हो जाती है। तभी वो लोग फलों की स्टडी करने लगते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ पे रहना है और उन्हें लाइफ को जीना है। तभी वो लोग ठंडियों विंटर के लिए फल इकट्ठा करने लगते हैं और तभी इंजॉय करते हैं। तो तभी देखते हैं कि एक
एक दिन नेल और एवा काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि नेल प्रेगनेंट नहीं हुई थी और इसी के इंजॉय कर रहे होते हैं दोनों, क्योंकि वो काफ़ी प्राउड फील कर रही होती है। प्रेगनेंट हो जाती तो काफ़ी दिक्कत होता, तभी वो लोग जनरेटर स्टार्ट करने की सोच रहे होते। आज जनरेटर स्टार्ट करके वो लोग इंजॉय कर रहे, तभी वो अपने फादर की एल्बम देखते हैं और तभी वो काफ़ी खुश हो जाते हैं क्योंकि उसके फादर नियस नहीं है। तभी वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर स्टैंड आया हुआ है। स्टैंड एवा से पूछता है कि तुम्हारे फादर कहाँ, तभी वो कहते हैं फादर अभी वहाँ पे हैं, घर में हैं। तभी स्टैंड समझ जाता है कि फादर नहीं है, तभी उसके साथ वह ज़बरदस्ती करता है और उसके साथ गलत काम करता है। और तभी देखते हैं कि नेल आई हुई है। नेल को समझ में आ जाता है कि यहाँ पर स्टैंड आया हुआ है, तभी वह काफ़ी डिस्टर्ब होती है और उसे पता चलता है कि सभी लोग हम लोग को काफ़ी डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। तभी नेल काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड, तभी वह देखती है कि जनरेटर स्टार्ट करने के लिए जनरेटर स्टार्ट कर देती है और डांस करके एवा को मनाने की कोशिश, लेकिन एवा कोई रिस्पॉन्ड नहीं दे रही होती। एवा काफ़ी डिस्टर्ब रहती है और तभी नेल को अपने फादर का एक लेटर मिलता है जिसमें चेपी था। चेपी उसे करके उसके फादर बुलाया करते थे। तभी वह उस लेटर को ओपन करते उसमें चेपी मिलता है और चेपी से वह काफ़ी डिस्टर्ब, उसे अच्छा नहीं लगता है नेल को। तभी हम देखते हैं कि उसके ने यहाँ पे देखते हैं कि नेल गड्ढे खोद रहे, तभी वह गिर जाती, उसे कमर में काफ़ी चोट आई हुई होती है और तभी वहाँ पे ईवा उसे काफ़ी सहारा देती है क्योंकि वो दोनों आपस में सहारा नहीं देते दे तो कौन देगा। तभी वो ईवा काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि, तभी हम देखते हैं कि ईवा उल्टी कर रही होती है और उसे पता चलता है नील को कि ईवा प्रेग्नेंट है। तभी प्रेग्नेंटिंग ऑपरेशन के बारे में काफ़ी नॉलेज ले रही हो। तभी युवा कहती है हम अपने बच्चों को गिराएंगे नहीं क्योंकि फादर और मदर की पेरेंट की भुगतदंड क्यों बेटा सहे। तभी देखते हैं कि वहाँ पे उससे काफ़ी कमजोरी रहती है और इसी के कारण वो एवा काफ़ी कमज़ोर, नेल को लगता है कि अब क्या किया। तभी नेल वहाँ पे जाती है शिकार करने, फर्स्ट टाइम वो शिकार करती है और उसमें सक्सेस भी हो जाती है। अपने सिस्टर को लाके मांस खिलाने लगती है और उसकी सिस्टर काफ़ी बेहतरीन फिटनेस में आ जाती है और वह काफ़ी अच्छे से वरी कर लेती है। और तभी हम देखते हैं कि नेल पूछती है कि अपना कैसा लग रहा है। तभी वहाँ पे बारिश होने लगती है और तभी एवा के पेट में काफ़ी दर्द होने लगता है और उसे यहाँ पे नहीं हो सकता है कुछ। तभी उसे यहाँ पे ट्री में ले जाते हैं, पेड़ में ले जाते हैं, वहीं पे उसकी डिलीवरी होने का इंतज़ार करती है नेल। और कुछ समय के बाद वहाँ पे डिलीवरी हो जाती है और उसे एक बेबी पैदा हो जाता है और तभी वो लोग दोनों काफ़ी खुशी हो जाते। तभी घर पे आते हैं, देखते हैं कि छत के ऊपर की दीवार टूट गई है और दोनों काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। और तभी वो लोग सोचते हैं कि हम लोग को ये घर छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये घर हम लोग बना नहीं सकते हैं और ये घर तो बिगड़ चुका है, अब हम लोग को यहाँ से जाना है क्योंकि इतना ज़्यादा खर्चा आएगा इस घर को दोबारा रिपेयरिंग कराने में। तभी अपनी यादें ले जाते हैं, फादर मदर की फ़ोटो ले जाते हैं, अपनी बचपन की फ़ोटो ले जाते हैं। अभी वहाँ से जाते हैं और पेट्रोल छिड़क के उसमें आग लगा देते हैं। वो सोचते हैं कि सभी लोग बिना घर के रह सकते हैं, हम लोग भी रह सकते हैं। इस मूवी एंड हो जाती है और इस मूवी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे साथ हमारी फैमिली रहे तो हम कितनी सी बड़ी समस्याओं का सामना कर सकते हैं, चाहे जितनी बड़ी समस्याएँ हों। और मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए क्योंकि ऐसी ही मूवी मैं हमेशा लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।